बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जी मिडिल पास लोगों के लिए, मैट्रिक फेल लोगों के लिए, या फिर जिन्होंने मैट्रिक पास किया है वो घर बैठे बगैर कोई पैसा लगा के ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं रियल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बाकी आज की वीडियो बूढ़े लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवान के लिए भी है, बट ये कि वो लोग जिनको लिखना आता है, टाइपिंग में, राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी मैं आपको आज ऐसी साइट के बारे में बताने वाली हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज को राइट करके, टाइप करके $15 तक अर्न कर सकते हैं। सारी वेरिफिकेशन, सारे प्रूफ इसी वीडियो में, सारी डिटेल भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो लिहाजा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके सामने है। सारे क्वेश्चन, कंफ्यूजन, जो जो जहन में आपके सवाल पैदा हो रहे हैं, इसी वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। उसके बाद आपने जो स्टेप बताऊंगी उनको फॉलो करना है सबर और पेशेंस के साथ, ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो सके। बाकी मैं आपको यहां पे बताते चलूं जी, इसमें हमें, इस साइड पे हमें काम करने के लिए कोई डिग्री या फिर कोई और चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये कि एक हमने 20 मिनट का टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेस्ट को पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जस्ट आप लिखना सीखे हैं, तो टेस्ट आप पास कर जाएंगे, ठीक है? ये टेंशन आप बिल्कुल जहन से निकाल दें। बाकी एक चीज है, अगर आप टाइम देंगे, सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आपको यहां से काम मिलने वाला है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस साइट पे पूरी वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ पहले, और इस पे मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये साइट फेक है, जिन्होंने वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह से वो अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं। बाकी जो व्यूअर उस वीडियो को नहीं देख सके या फिर जो नए हैं इस चैनल पे और बार बार कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डिमांड कर रहे हैं कि आप भी प्लीज़ कोई रियल वाली साइट बता दो राइटिंग और टाइपिंग के बारे में, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं जा रही हूँ जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, आप लैपटॉप पे, उसी मोबाइल पे कर सकते हैं जिस पे आप टिकटॉक देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बाकी चलते हैं जी वीडियो की तरफ। क्रोम ब्राउजर में आके हम सर्च कर लेंगे जी writingjobs.com को। JOBZ लिखेंगे, X नहीं लिखेंगे, मतलब कि स्पेलिंग बिल्कुल यही होंगे। उसके बाद हमने सर्च किया इसी साइट को और फर्स्ट वाला जो लिंक आया है वो हमारे सामने उसी साइट का आ चुका है जिसके बारे में हमने आज बात करनी है। यहाँ पे देखें जी, आपको लास्ट पे ऑप्शन नजर आ रहा है जी साइन अप फॉर फ्री का, मतलब कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे काम करेंगे। बाकी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं आ गई सबसे पहले नंबर पे वेरिफिकेशन की तरफ, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे उनके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी राइटिंग के आपको एक पेज के $15 पे किए जाएंगे। एडिटिंग मतलब ये कि आपको ऑलरेडी लिखा लिखा काम मिलेगा, उसमें आपने थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, उसके आपको एक पेज के $12 मिलेंगे। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग आ जाती है, मतलब कि आपने ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह खत्म करनी होंगी, ये भी तरीकाकार मैंने डिटेल में अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आपने कुछ भी नहीं करना, एक ऐप यूज करना है, उसके थ्रू आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। आपका काम जस्ट क्लिक का होगा, तो आप प्रूफ रीडिंग करके एक पेज के $11 यहाँ से अर्न कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हमने वर्क करना होगा तो हमारे काम करने का तरीकाकार क्या है जी, यहाँ पे अपर आपको अप्लाई नो वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपको तसल्ली हो चुकी है पेमेंट के बारे में तो आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा जी फर्स्ट वाला पेज, ये पेज आपके सामने आ गया। यहाँ पे हमने अपना नेम देना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद ईमेल लगानी है, उसके बाद फोन नंबर देना है। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज पर पहुंचते ही यहाँ से पूछा जी आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, मतलब के जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसकी जो हमारे पास कौमी जुबान है वो कौन सी है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उर्दू को। और उसके बाद हम नीचे आ गए, हाईएस्ट एकेडमी डिग्री, मतलब कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे मास्टर तक पढ़ा हुआ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपने यहाँ पे बता देना अगर आप स्कूल तक पढ़े हैं तो स्कूल वाला, कॉलेज तक पढ़े हैं, जो भी आप पढ़े हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, फील्ड ऑफ स्टडी आपने लिख लेना है, मतलब कि आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो मैं अपना सब्जेक्ट यहाँ से फाइंड करूंगी और उसके बाद यहाँ से कर लूंगी जी सेलेक्ट। यहाँ से हमने करना है जी अपना मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट, जो कि मेरा है फिजिकल केमिस्ट्री। मैं यहाँ से जो भी मुझे रैंडमली नजर आ रहा है मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। मिसाल के तौर पर मेरा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस साइड पर सही वाला अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे हमने दोनों चेक्स ऑन कर देने हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने सेकंड वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप ये अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है जी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे आप अपनी मर्जी का इजहार कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड आपको राइटिंग का काम यहाँ पे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेती हूँ, आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेकंड एरिया भी है, थर्ड भी है, ये दोनों ऑप्शनल हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट ये कि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड एरिया भी सिलेक्ट कर लिया और थर्ड वाला एरिया भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी व्हाट मेक्स यू अ गुड राइटर, यहाँ पे वो कह रहा है जी बताएं हमें थोड़ा सा कि आपको कौन सी चीजें अच्छा राइटर बनाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी हार्ड वर्किंग, यहाँ पे देखिए जी मैंने खुद से लिख लिया है हार्ड वर्किंग, पैशन, लव विद ऑन फील्ड। आप इसी सेम क्वेश्चन को जाकर गूगल पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, वहां पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप उसको उठा के थोड़ा बहुत एडिट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता तो आप ट्रांसलेटर, मतलब कि गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प आउट ले सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे करना है जी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक, हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही हमने यहाँ पे किया, हमारा अकाउंट बन गया, यहाँ पे अब तीन ऑप्शन है जी। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपलोड रिज्यूम वाला, मतलब कि यहाँ पे हमने रिज्यूम अपलोड करना होगा। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में फैमिलियर हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिज्यूम बना के आपको लाइव दिखाया है, आप उसको देख के अपना रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी है तो अपलोड पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे जी अपलोड। बट ये कि जैसे ही आपने रिज्यूम बनाना है उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपकी रेटिंग जो एक्सपीरियंस है वो, और इसके अलावा जो तो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो चीज़ें आपने लाजमी से मेंशन करनी है ताकि आपको रिप्लाई बैक आए और काम मिल सके। तो यहाँ पे मैं गई जी ब्राउज में और अपनी फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ से कर लिया जी अपलोड, हमारा रिज्यूम अपलोड हो चुका है। उसके बाद अपलोड सैंपल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हमने गैलरी में जो सैंपल बना के रखा होगा उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा जी हमारे पास जो सैंपल है उसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड्स होनी चाहिए, मतलब कि आप सिर्फ 300 वर्ड्स पे कोई भी हमें टॉपिक लिख के दिखा दें, कंटेंट राइटिंग करके दिखा दें। तो आप ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ से ब्राउज से जाके इसको अपलोड करूंगी, अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होते ही यहाँ पे देखें जी अपलोड सैंपल वाला ऑप्शन ग्रीन हो चुका है और टिक भी हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्टेप है जी टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट होगा जो कि क्वाइट ईजी है, आप इसको बहुत बहुत ईजीली पास कर सकते हैं, मैं आपको लाइव करके भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने इसका पार्ट वन बनाया था, सबसे पहले मैंने जब इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया था। सिर्फ 20 मिनट का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने से पहले आप अपने डिवाइस में चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमारा चैट जीपीटी ही हमारा टेस्ट पास कर देगा, मतलब कि हमें टेंशन और फिक्र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी के होते हुए। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, उसके बाद हमें 20 मिनट मिले हैं 20 क्वेश्चंस के, जो कि ग्रामर से रिलेटेड होंगे, पंक्चुएशंस वगैरह बिल्कुल सिंपल। अगर आपने मैट्रिक या फिर इंटर पास किया हुआ है तो आप इसको इजीली पास कर लेंगे, वैसे भी हमने थोड़ी करना है चैट जीपीटी जो है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूंगी, मैं ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगी और चैट जीपीटी में आके मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पे देखें जी चैट जीपीटी हमें अभी आंसर बता दिया कि इसका आंसर है वर्क्स, ठीक है। हम यहाँ से आके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये इसका आंसर भी हमें पता चल गया। इसी तरह से हमने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से दोबारा से कॉपी करेंगे, दोबारा से आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे जी एंटर, दोबारा से हमें यहाँ पे आंसर पता चल गया जी वुड गो वाला। इसी तरह से हम हेल्प लेते जाएंगे और यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करते जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे पास हुई या फिर फेल, क्योंकि सारा काम मैं करने वाली हूँ चैट जीपीटी से आपके सामने। बट ये कि मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर दूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर कह रहा है जी बींग सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एम बींग सेंट। यहाँ पे देखें जी मैंने आपके सामने ही चैट जीपीटी से सारा टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट किया है और मुझे यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है ग्रेट जॉब। और इसके अलावा आपने देख लिया कि किस किस तरह से मैंने सारा काम चैट जीपीटी से लेके अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया और मेरा टेस्ट पास भी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप इजीली अपना टेस्ट तो पास कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है जी ग्रेट जॉब,
सेटिंग अप योर प्रोफाइल, मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सेट अप हो रही है, उसके बाद हमारा जो मैनेजर है आपका सैम्पल पेपर और रिज्यूम इन दोनों को देखेगा, और उसको देखने के बाद एवेल्युएशन करने के बाद आपको फ़ोन कॉल करेगा। यहाँ पे देखिए आपको फ़ोन नंबर मेंशन है, फ़ोन का वर्ड मेंशन है, मतलब कि आपको फ़ोन कॉल आएगी वो नंबर जो आपने अकाउंट बनाते हुए दिया है, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही फ़ोन कॉल आएगी आपने फ़ौरन से उसको अटेंड करना है, उसके बाद काम लेना है और अर्निंग करनी है। पर पेज के हिसाब से जो मैंने आपको रेट बताए हैं वही रेट्स आपको मिलेंगे। बट ये कि इन केस अगर आपको फ़ोन कॉल नहीं आती तो डैम श्योर आपने सैम्पल पेपर सही तरीके से अपलोड नहीं किया या फिर रिज्यूम सही वाला अपलोड नहीं किया, तो आप दोबारा से कोई और जीमेल, कोई और फ़ोन नंबर से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं अपना सैम्पल पेपर चेंज करके, इसके अलावा रिज्यूम को अच्छा सा बना के और दोबारा से अपलोड करके। तो बाकी यहाँ पे हमें जो टेस्ट हमने किया है इसमें हमारी कोई भी एफर्ट नहीं लगी, चैट जीपीटी जिंदाबाद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें काम मिलेगा हम काम भी सॉफ्टवेयर से करवा सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको सारे डिटेल में बताए हैं जो अच्छे वाले बेस्ट वाले सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं, काम सीख लिया है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप देख सकते हैं आपको एंड स्क्रीन कार्ड्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली आपको सारे का सारा प्रोसेस समझ लग गई हो, आपने तसल्ली के साथ और हम्बल वे में इस वीडियो को देखा हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैट जीपीटी से काम लीजिएगा, टेस्ट पास कीजिएगा, अच्छा सा रिज्यूम और सैंपल पेपर अपलोड करने के बाद सब्र से इंतजार कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।